हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जानते होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हुआ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के वीडियो का टॉपिक है दी टॉप 5 अमेजिंग स्टैचूज ऑफ इंडिया, मतलब कि टॉप 5 जो अमेजिंग स्टैचूज हैं वो इंडिया के, वो कौन से हैं वो बताए गए हैं। तो अभी तक इतना मुझे भी खास कुछ पता नहीं है कि कौन से अमेजिंग स्टैचूज हैं, क्योंकि स्टैचूज तो काफ़ी होने हैं इंडिया के पापा, मैं तो कोई शक नहीं, वहाँ पर काफ़ी बनाए गए हैं। तो देखते हैं बिना किसी देरी के ये वीडियो। तो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पापा ये लगाएं जी, देखते हैं मिल के बाद में तबसा करेंगे ना। हाँ, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, गोवा, मतलब ये तो नाम है, केरला, वाइल्ड लाइफ, कल्चर, मेक आवर इंडिया मोर ब्यूटीफुल। एक्सप्लोर इंडिया बहुत कमाल का चैनल है, लाजमी की चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉप 5 अमेजिंग स्टैचूज इन इंडिया। ये तो बहुत बुलंद नहीं बना हुआ। हाँ, ये तो काफी बड़ा है, पता नहीं कौन सा ये, लेकिन अभी सही पता लगेगा। इतना बड़ा ये बुद्धा स्टैचू है, कोई बुद्धिज्म में है कोई स्टैचू, ये बहुत बुलंदी पे, बहुत पापा ये देखे ना, खूबसूरत कितना बना हुआ, बहुत और बड़ा कितना है। ये तो पहाड़ है, पहाड़ों के इर्द-गिर्द बना हुआ है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल पापा, कितनी इमारत से बनाया हुआ है वजह इन्होंने। ये देखना, 14वीं सेंचुरी में बना था, 14वीं सदी। अच्छा, हाँ, ये तब का बना हुआ है, कमाल है भाई। द्वारा शिव स्टैचू, ये शिव लॉर्ड शिव है ना, जो हिंदुइज्म के सबसे बड़े भगवान है। अच्छा, ये उनका है ये ला। ओ, 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 जी। ओ, ये कहाँ पे है क्या, बहुत ऊंचा है, तो कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये मेरे ख्याल से अभी बन रहा है। अच्छा? जो भी बन रहा है थिंग, ये इतना बड़ा हो गया, ये देखे ना, बहुत बड़ा है, वजह हाइट की इतनी इसकी। ये दुनिया पूरा बन गया ना पापा, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टैचू होगा। अच्छा, हाँ, कमाल है यार, बड़ी महारत है, महारत से बनाया हुआ है। वजह बंदा बोलता है कि ये देखे ना कितनी ऊंचाई है इसकी, वही तो बना कैसे है, ये मारते हैं आगे। मैंने ये ऐसे बता रहे। अब जो तीसरे नंबर पे है वो कौन सा है, ये देखो, ये भी उनके शिव जी का है, ये तो बहुत कोई ऊंचा है, जरा बड़ा भी है। हाँ, थोड़ा चौड़ाई में भी काफी, चौड़ाई में भी ज्यादा है। सीरियसली, इसके पे नाम पे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इसका, क्योंकि यार प्लीज वो बताना, मुझे सही समझ नहीं आया। मीटर टॉल, यानी 112 फीट का है, 112 फुट का, बहुत ऊंचाई है यार, और बहुत प्यारा भी है ये काम, अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरती से बनाया गया है इसको। द स्टैचू ऑफ यूनिटी, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, पूरी दुनिया का, हाँ, सबसे बड़ा ये स्टैचू है पापा, ये वाकई यार, ये बहुत बड़ा है पापा, बहुत बड़ा है ये, तो हमें इधर सही नहीं नजर आता ना इसकी ऊंचाई, फिर तब पता चाहिए कि करीब बंदा जाए, पास लग रहा है ये। हाँ ना, बंदा करीब जाए तो तब पता चलता है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। बिल्कुल, इसके अंदर हर एक चीज है, लाइब्रेरी, खाना पीना, रिहाइश, सब कुछ है इसके अंदर, सीढ़ियां लगी हुई हैं। अच्छा, हाँ, ये रहा बहुत फन का फन है वजह जिन्होंने बनाया है। बिल्कुल पापा, महाराज है ये, देखें इंजीनियर्स, साथ को नहर भी बह रही है। हाँ ना,
ये मतलब कि पापा जी 100 किलोमीटर पर सेकंड की अगर आवाज चलती है ना उसको ये सह सकते हैं। बहुत मजबूती है ना भाई, मजबूती से बना हुआ बिल्कुल, बहुत बड़ा ही है। तो पहले में कौन है यार, जब ये आज से बड़ा हो गया क्या वो? ओ ये तो चील टाइप का स्टैचू है पापा, ये देखो ये यूं चील यूं लग रहा है लेटा हुआ है बिल्कुल वजह। ये तो ये पहले नंबर पे ये आता है, मतलब कि दुनिया में ना जो बर्ड्स में ना स्टैचू का सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है यार ये। कमाल है, कमाल है के कमाल किसे, कमाल है ये बनाया किसने होगा वे? बजात फन का मजा रहे इधर पता चलता है जिन्होंने बनाया है। सही में इतना खूबसूरत बनाया कि बंदा बोलते ऐसे देखता ही रहे। इसके अंदर म्यूजियम भी है, हेलीपैड भी है इसके अंदर पापा, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर। अच्छा? ये सिर्फ ऊपर से स्टैचू नहीं, अंदर से इसके अंदर चीजें भी बहुत है। कमाल यार भाई, तो बंदा बहुत ऐसे देखता ही रहे ना कसम से। और यहाँ पे ये वीडियो खत्म। अरे बना हुआ क्या यार भाई, ये मतलब कि मैं तो समझ रहा स्टैचू यूनिटी बड़ा निकलेगा, ये तो उससे भी मतलब के मतलब आम जो स्टैचू है ना जिस तरह वो अमेरिका के वो लिबर्टी जो भी है वो खड़ा होता है। ऐसे तरीके पे बनाए हुए हैं ना, जो पहले नंबर पे दूसरे या तीसरी चौथे, इसमें हर चीजें हैं ना, इसमें लाइब्रेरी है, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी में जिस तरह मैंने आपको बताया वो चीजें हैं, तो इसके अंदर ये जो बर्ड वाला था इसके अंदर भी पापा ये सारी चीजें थी यार। तो यही बात है। अब ये आपको ये परिंदा जो है ना, ये जो परिंदे का स्टैचू थोड़ा छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है ये, मतलब के बर्ड्स में। ये हम करीब देखे बोलेंगे क्या है तो क्या, वही ना पापा सामने जो जाता है ना बंदा उसको पता लगता है बिल्कुल इसमें क्या क्या महाराज है, क्या अंदर चीजें हैं तो क्या चीजें नहीं। वीडियो में इतना ज्यादा पता नहीं चलता ना हमें बिल्कुल, वीडियो में चलो वीडियो भी देख के पता चलता है कि इतनी चीजें इसमें हैं बिल्कुल। और पापा वो लॉर्ड शिवा का कितना बड़ा वो स्टैचू, वो जो नहर के किनारे पहले नंबर जो नहर के किनारे बना हुआ है पापा, वो तो उनका था ना, वो तो बुद्धिज्म पहाड़ों के दरमियान बना हुआ था ठीक है, वो तो वो भी काफी बड़ा था, लेकिन एक लॉर्ड शिवा का था वो भी बहुत बड़ा, मतलब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, वो भी बिल्कुल वो बिल्कुल वो भी बहुत बड़ा है, वो भी अभी बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये है कि जब वो बनेगा तो वो बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा। मैं तो कहता हूँ कि वो बंदे की गर्दन वो हो जानी है यूं अकड़ जानी है ऊपर देखते हैं। ये भी कोई होंगे ना यार इंजीनियर जो बनाते होंगे, ये पापा सारे इंडियन इंजीनियर जो दिन रात मेहनत करके ऐसी चीजें इंडिया में बना रहे हैं। इंडिया के इंजीनियर को दाद देनी चाहिए कि ऐसे फन का मुजाहरा कर रहे हैं कि ऐसी चीजें बना रहे हैं कि जो मतलब आते आते दुनिया में याद रखी, हमेशा याद रखी जाए बिल्कुल, और दुनिया में सबसे बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं, छोटी मोटी ने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना स्टैचूज में भी। मैं तो देखता हूँ यार, बोलता हूँ कैसे फन का मुजारा ये करते हैं, कोई शक नहीं पापा है इसमें, बंदे को आज हैरानगी होती है ये चीजें देख के। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।